हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का नेक्स्ट टॉपिक बुलियन एलजेब्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो आज जो हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, 1854 लॉजिकल एलजेब्रा वॉज पब्लिश्ड बाय जॉर्ज बुलियन, नॉन टूडे एज बुलियन एलजेब्रा। 1854 में लॉजिक एलजेब्रा को पब्लिश किया गया था जॉर्ज बुले के द्वारा, और आज इसे किस नाम से जाना जाता है? बुलियन एलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। ओके, बुलियन एलजेब्रा हम क्यों यूज करते हैं? टू मिनिमाइज और सिंप्लीफाई लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो एक सिंपल चीज देखिए, एलजेब्रा हमने मैथ्स में पढ़ा है। एलजेब्रा में क्या होता है? कोई एक्सप्रेशन हमें गिवन होता है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, ठीक है, एलजेब्रा में, और उसके अकॉर्डिंग हम उसे सिंप्लीफाई करते जाते हैं। सेम बुलियन एलजेब्रा में जो होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, वो हमें सिर्फ उस लॉजिकल एक्सप्रेशन पर अप्लाई करने। लॉजिकल एक्सप्रेशन लाइक दिस, ए बी बार दे दिया, देन प्लस ए प्लस बी बार दे दिया, कुछ इस तरीके से जो है हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन होता है, तो उसको हमें जो है सिंप्लीफाई करना होता है। और वो किसके द्वारा करेंगे? हमारे जो भी बुलियन पोस्टुलेट्स होते हैं, रूल्स हों, प्रॉपर्टीज हों, उनके द्वारा हम उन्हें सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के और भी तरीके, जैसे के मैप है, ये भी हम क्यों यूज़ करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए? क्योंकि बुलियन एलजेब्रा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो के मैप बहुत सिंपल सा इसका वो है कि हम के मैप के द्वारा उसको सॉल्व कर लें। ओके, तो बट बुलियन एलजेब्रा भी पता होना चाहिए। ओके, बुलियन एलजेब्रा में वैल्यू जो होती है वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। डिजिटल लॉजिक में अगर बात करें तो वन रिप्रेजेंट करता है ट्रू को और जीरो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स वैल्यू को। ठीक है, चलिए, लॉ ऑफ बुलियन एलजेब्रा। तो ऐसे तो बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन इसमें जो तीन मेन लॉ आते हैं वो आते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम पढ़ रहे हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ बुलियन एलजेब्रा। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ बुलियन एलजेब्रा एंड के लिए भी और के लिए, दोनों के लिए पढ़ रहे हैं हम। देखिए, अगर मैं और की बात करूँ तो इसमें क्या होता है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। सिंपल, अगर आप मैथ्स में अगर मैं कहूँ कि 5 प्लस 4 को ऐड करो या 4 प्लस 5 को ऐड करो, आंसर क्या मिलने वाला है? सेम ही तो मिलने वाला है। ओके, 9 ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, क्या मिलेगा? दोनों सेम ही मिलने वाले हैं। ओके, अब देखिए, यहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, हमें पता है प्लस का साइन है, तो कौन सा गेट बनेगा? और गेट लगेगा। ठीक है, और गेट हमने बनाया, इसकी दो इनपुट्स दी ए और बी, तो यहाँ से मुझे आउटपुट मिली ए प्लस बी। अगर मैं इस इनपुट को बी ए लिख दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जब आप इसकी ट्रूथ टेबल लेते हैं, या तो आप ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, आंसर तो वही रहने वाला है। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी एक इनपुट हाई होती है, हमारा आंसर हाई में जाएगा। अब बी आगे लिखा है, ए पीछे लिखा है, डजंट मैटर। तो इसमें यही कहा गया, अगर ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, वो इक्वल होती हैं। ठीक है, सेम ही बात होती है। सेकेंड, इसमें क्या कहता है कि ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए। ठीक है, 2 × 3 लिखो या 3 × 2, मैथ्स में अगर मैं बात करूँ आएगा तो 6 ही, तो दोनों ही क्या है? सेम है। और यहाँ पे क्या किया गया? अब डॉट ऑपरेटर, डॉट का यूज़ किया गया, तो एंड हम यहाँ पे लगाएंगे और इसके द्वारा आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल आप ए बी लिख लीजिए दो वेरिएबल, या बी ए लिख लीजिए, वही रहने वाली है सेम, कि जब भी तुम्हारी दो इनपुट्स हाई होंगी, हमारा आंसर हाई मिलेगा, अदरवाइज लो मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये था कॉम्यूटेटिव लॉ। देन उसके बाद आता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉज ऑफ बुलियन एलजेब्रा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी के। अब इसमें भी आप अगर चाहें तो वैल्यू रख के देख सकते हैं, सेम ही आने वाली है। ठीक है, देखिए, तो देखिए प्लस प्लस का साइन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 1 + 2 + 3 इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, 1, 2, 3 मैंने वैल्यू मान ली। अब इसको यहाँ पे लिखना है 1 + 2 और + 3। प्लस का साइन, अब देखिए
तीन और दो पाँच और एक छः बन रहा है और यहाँ पे भी छः बन रहा है, दोनों क्या है, सेम ही बात है। ठीक है, अब इसको आप a प्लस बी प्लस सी लिखो या a प्लस बी प्लस सी लिखो, दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। फिर देखिए इसको कई बार क्या करते हैं, आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया और इसका जो है गेट पूछ सकते हैं कि इसका जो सर्किट है वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है, लॉजिकली जो है ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो ये पूछा जा सकता है। अब आप देखेंगे तो b प्लस सी में क्या यूज़ हो रहा है, हम पहले ब्रैकेट्स के अंदर का देखते हैं, तो यहाँ पे और गेट यूज़ हो रहा है। ओके, तो b और c जो थे और गेट में से बनाए, हमने दो इनपुट्स ली और हमें आउटपुट मिल गई b प्लस सी। फिर b प्लस सी जो और गेट था उसको a के द्वारा ही हम किससे जोड़ रहे हैं, और गेट से जोड़ रहे हैं, तो हमने एक और गेट लिया जिसपे एक इनपुट तो a की आ जाएगी और दूसरी इनपुट किसकी हो जाएगी, b प्लस सी की, और हमने b प्लस सी को इस तरीके से इसमें अटैच कर दिया और हमें आउटपुट मिल जाएगी a प्लस बी प्लस सी। ओके, सेम आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बार ब्रैकेट में a प्लस बी है तो a और b ले लेंगे हम और गेट में, ठीक है, इनकी आउटपुट आ गई a प्लस बी। देन हमने एक और गेट के द्वारा जो इनको जोड़ा है वो भी और गेट है, तो सी में एक इनपुट ली और इस इनपुट को इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सेम ये देखिए एसोसिएटिव ला और गेट के लिए पढ़ा, एंड के लिए भी ऐसा ही होता है कि ए डॉट बी डॉट सी लिखो या ए डॉट बी डॉट सी लिखो। अब वन इंटू टू इंटू थ्री लिखो या फिर वन इंटू टू इंटू थ्री लिखो, तीन दूनी छः रहेगा, तीन दूनी छः रहेगा, तो सेम चीज़ है। ओके, तो इसको आप किसी तरीके से लिख लीजिए, वो सेम ही रहेगा। देन इसे इंप्लीमेंट करके दिखाया गया, यहाँ पे डॉट यूज़ हुआ है तो इस बार हम क्या करेंगे, एंड गेट का यूज़ करेंगे। तो पहले ब्रैकेट वाला ले लीजिए, बी और सी मैंने जैसे यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ से मुझे इसकी आउटपुट मिल गई बी डॉट सी। देन इसे फिर से किसके साथ जोड़ा गया, ए के साथ एंड गेट के द्वारा, तो ए में एक एंड गेट, एक इनपुट ये हो जाएगी और दूसरी इनपुट बी डॉट सी की हो जाएगी और यहाँ से मुझे आउटपुट मिल जाएगा। सेम आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पहले ए डॉट बी में एंड गेट यूज हुआ है, फिर इसे सी के द्वारा एंड गेट में जोड़ा गया, तो ये इस तरीके से गेट को जोड़ कर किस तरीके से बनाया जाता है वो आपको आना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। चलिए अब जो इसका थर्ड लॉ है वो देखिए क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने लिखा a डॉट b प्लस सी, तो a डॉट b कर दिया प्लस में a डॉट c कर दिया है, तो आप यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, वेट, तो इसको भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह ले सकते हैं। देखिए 1, 2, 3 मैंने वैल्यू ली 1 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, फिर आगे लिख दिया इसको खोल के कि 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, तो यहाँ से भी 5 मिल रहा था, यहाँ से भी 5 मिल रहा है, तो इस तरीके से ये होता है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। a डॉट b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट b और a डॉट c लिख सकते हैं प्लस लगा के। इम्प्लीमेंट करना है मुझे जैसे इसे इम्प्लीमेंट करना, तो देखेंगे आप यहाँ पे b और c के बीच में क्या है, और गेट का यूज़ हुआ है और उसे a के द्वारा, a को किसके साथ जोड़ा गया, एंड गेट से जोड़ा गया है, तो यहाँ पे मैंने एक एंड गेट लिया, b प्लस सी जो और गेट की आउटपुट थी उसे इसके साथ जोड़ा और एक आउटपुट हमारी a थी, ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट करना है तो पहले एक गेट a डॉट b लेंगे, एंड गेट लिया हमने a डॉट c, एक एंड गेट लिया और उसको दोनों ही एक्सप्रेशन को किसके द्वारा जोड़ा गया है, और गेट से, तो देन मैंने इसे और गेट से कनेक्ट करवा दिया, ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये तीन मेन लॉ थे, इसकी याद रखिए, पहला लॉ जो हमने पढ़ा, a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो या फिर a डॉट b लिखो या b डॉट a लिखो, ये कौन सा लॉ था, कॉम्यूटेटिव लॉ था। उसके बाद जो था हमारा कौन सा आया, एसोसिएटिव लॉ, जिसमें क्या कहा गया, a प्लस बी प्लस सी लिखो या फिर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे इसके अलावा आप डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, a डॉट b डॉट c या फिर लिखिए इसे a डॉट b और डॉट c, क्या रहेंगे ये हमारा, क्या था, एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या है, a डॉट b प्लस c, ए बी प्लस ए सी, सेम इसी तरीके से ये भी होता है कि यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे एंड लिया था और यहाँ पे और लिया था, सेम मैं यहाँ पे और ले लेती हूँ और यहाँ पे एंड ले लेती हूँ, तो ये भी किस तरीके से बन जाएगा, ए प्लस बी और डॉट ए प्लस सी, तो ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे, जैसे मैं एक्सप्रेशन ये दे दिया उन्होंने कि ये बताइए कौन सा लॉ है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आप प्लस और मतलब एंड और दोनों साथ में यूज़ करेंगे और उन दोनों में हम अलग अलग यूज़ कर रहे थे, बस ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। देन इसके रूल्स आते हैं बूलियन अलजेब्रा के,
सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं जीरो और वन की। तो मैंने कहा था ना कि आपको और भी बहुत सारे लॉ होते हैं, लॉ का नाम मैं नहीं लिखती, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, डायरेक्ट जो पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया वो इडियम पोटेंस लॉ से पूछा गया कि इडियम पोटेंस लॉ कौन सा होता है, इसीलिए जो है मैंने साथ साथ इनके नाम भी लिखे। तीन लॉ हमने ऊपर पढ़ लिए, बाकी ये हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो एंड वन। देखिए अगर आपको कहीं पर भी दिखे ए प्लस जीरो, अब इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा। रटना नहीं है, सिंप्लीफाई करके देखिए। हमें पता है बूलियन अलजेब्रा में हम दो ही वैल्यू ले सकते हैं, या तो वन या तो जीरो। ए की वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, ए की वैल्यू हम दो ही तो रख सकते हैं, या तो जीरो रख सकते हैं या वन रख सकते हैं। अब मैंने अगर ए की वैल्यू जीरो रखी तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, यानी कि आंसर मुझे ए ही तो मिल रहा है। देन वन रखी अगर मैंने तो वन प्लस जीरो, तो भी मुझे आंसर क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, यानी कि ए मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि ए प्लस जीरो आंसर मुझे क्या देने वाला है, ए देने वाला है। ठीक है, चलिए देन ए प्लस वन आता है। ए प्लस वन में भी जो है आप इसी तरीके से करके देख सकते हैं और यहाँ से आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। ठीक है, ए डॉट जीरो है, ठीक है, जीरो डॉट जीरो लिखो जीरो मिलेगा, वन डॉट जीरो लिखो जीरो मिलेगा। अब हमें क्या मिलेगा, जीरो मिल रहा है, ठीक है, तो हम जीरो इसको लिख सकते हैं। अगर ए डॉट वन है तो आंसर मेरा ए मिलेगा। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं जीरो और वन की, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ए प्लस जीरो है तो आंसर ए, अगर ए डॉट जीरो है तो प्लस और वाले देखिए इस तरीके से मिला के पढ़ लीजिए, ए प्लस जीरो तो ए, अगर प्लस का साइन है तो ए ही मिल जाएगा, अगर डॉट का साइन है तो जीरो मिल जाएगा, क्योंकि जीरो को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ भी जीरो मिलेगा। देन अगर मैं ए में वन को ऐड कर रही हूँ तो वन मिल जाएगा, अगर ए में वन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए आप, तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी मेन, ये याद रखिए। उसके बाद आता है इडियम पोटेंस लॉ। ओके, तो दोनों इसमें देखते हैं, इडियम पोटेंस लॉ क्या होता है, ए प्लस ए इक्वल टू ए, या फिर लिखो ए डॉट ए इक्वल टू ए, ये हमारे इडियम पोटेंस लॉ होते हैं दोनों, ये वाला फिफ्थ और सेवेंथ। ठीक है, एक बार हमने और के साथ पढ़ा, एक बार हमने एंड के साथ पढ़ा, तो दोनों में जब हम लगाते हैं तो ए प्लस ए इक्वल टू ए और ए डॉट ए इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये इडियम पोटेंस लॉ होता है। देन आता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या होता है, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, और इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको भी आप निकाल सकते हैं वैसे, कि जैसे मैंने वैल्यू लिखी वन की, ए की वैल्यू क्या है, वन ले ली मैंने, तो यहाँ पे जब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या बन गया, जीरो, तो वन प्लस जीरो वन बन जाएगा। ठीक है, और गेट में आपको पता है ना, वन प्लस जीरो होता है तो वन होता है। सेम अगर मैं ए की वैल्यू जीरो ले लूँ और इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो भी आंसर वन ही मिलेगा। तो ए प्लस ए डॉट मुझे क्या मिलने वाला है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या मिलने वाला है, वन। सेम ए डॉट ए बार जो हम ये वाला पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री लो, ए डॉट ए बार, इसमें जीरो क्यों मिला मुझे, अगर मैं ए की वैल्यू जीरो लेती हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी। अब जीरो को वन से करेंगे जब हम, एंड गेट में हमने पढ़ा है ना जीरो और वन होती हैं, डॉट यूज हुआ है, तो मेरे पास क्या आती है, जीरो आती है। अब यहाँ पे वन जीरो होता तो भी जीरो ही मिलता। ठीक है, तो ये होता हमारा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, तो ये याद रखिए। उसके बाद एक इन्वोल्यूशन लॉ भी होता है, जिसमें ए का डबल कॉम्प्लीमेंट दिया तो ए मिलेगा। अब डबल कॉम्प्लीमेंट से ए कैसे मिलेगा, अगर मैं ए की वैल्यू जीरो लेती हूँ तो जीरो का डबल कॉम्प्लीमेंट, पहले जीरो का कॉम्प्लीमेंट किया तो वन मिला, फिर वन का कॉम्प्लीमेंट किया तो जीरो मिला, यानी कि वापस से हमें वैल्यू क्या मिल गई, वही वैल्यू मिल गई जो हमने उसकी पुट की थी। सेम वन रखेंगे तो आंसर हमें लास्ट में वन ही मिलने वाला है, तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट हमें ए ही मिलेगा, ये हमारा इन्वोल्यूशन लॉ होता है। ओके, देन आता है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ, जिसमें ए प्लस ए बी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, ओके तो देखिए आप एक एक्सप्रेशन देख रहे हैं ए प्लस ए बी। अब देखिए ट्रूथ टेबल आप सभी को याद है, सबसे पहले हम अगर बात करें ए बी की, ए बी तो इसमें हम वैल्यूज लेते हैं, दो वेरिएबल हैं, चार वैल्यूज आएंगी, ओके, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, कुछ इस तरीके से बनेगा। देन मुझे यहाँ से क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी में क्या कौन सा है, एंड गेट है, यानी कि एंड वाली ट्रुथ टेबल आ जाएगी यहाँ पे, तो मुझे आंसर मिल जाएगा जीरो 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 वन।
ठीक है, ये मुझे मिल गया। देन ये कह रहा है कि अगर मैं ए और ए बी को ऐड कर दूं तो आंसर मुझे ए ही मिलने वाला है। तो करके देख लेते हैं, देखिए ए प्लस ए बी मैंने किया, ठीक है, ए प्लस ए बी। अब यानी कि कौन सा गेट यूज हो रहा है, ओर गेट, यानी कि ओर गेट की ट्रुथ टेबल बनने वाली है। जीरो 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 रहेगा, जीरो 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 रहेगा, वन जीरो वन आ जाएगा, और वन वन अगेन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस ए बी में जो वैल्यूज आ रही हैं जीरो जीरो वन वन, क्या वो ए के इक्वल नहीं आ रही हैं, जीरो जीरो वन वन तो आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए बी हमारा किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। इस तरीके से आप निकाल के देख सकते हैं, सेम आप इसको निकाल के देख लीजिए, ठीक है। पहले हमने ए नॉट बी लिया है, तो पहले हम ए बी की वैल्यू लेंगे, जैसे ए बी की वैल्यू ली जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन। यहाँ पे ए नॉट बी, ए नॉट बी का मतलब है कि हम उसका कॉम्प्लीमेंट करके, अगर हमारी जीरो तो हम ए की वैल्यू को वन मान लेंगे और फिर वन जीरो को हम देखेंगे, ओके, तो भी मुझे जीरो मिलेगा यहाँ पे। देन यहाँ पे जीरो वन था, मतलब ए की वैल्यू जीरो थी तो मैंने वन ले ली, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वन वन क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, ओके। यहाँ पे वन जीरो था तो जीरो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपको, आप सोल्व करेंगे तो आपको a प्लस बी जो है यहाँ से निकल के मिल जाएगा, ओके। तो ये कुछ और लॉ होते हैं, मतलब जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसको सोल्व करने के काम आते आते हैं, ठीक है। बाकी आपको हर एक का नाम पता होना चाहिए, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कौन सा इडियम्पोटेंस होता है, कौन सा इन्वोल्यूशन होता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये कुछ रूल्स होते हैं बुलियन एल्जेब्रा के। देन आती है डी मॉर्गन थ्योरम। दो थ्योरम होती है इसमें, देखिए इसमें क्या करना होता है, रिमेंबर ब्रेक द बार और चेंज द ऑपरेटर। आपको बार को ब्रेक करना है और ऑपरेटर जो होगा, अगर प्लस है तो डॉट बना दीजिए, डॉट ऑपरेटर है तो प्लस बना दीजिए, ये थ्योरम होती है। तो इसमें थ्योरम वन कहती है, अगर मेरे पास आता है एक्स प्लस वाई का बार, तो पहले आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे बार को, बार हमने ब्रेक कर दिया, एक्स पे बार अलग से लगा दिया, वाई पे बार अलग लगा दिया, एंड चेंज द ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर था डॉट ऑपरेटर बना दिया, ठीक है। तो ये है डी मॉर्गन थ्योरम। सेकंड थ्योरम इसकी यही कहती है, अगर मेरे पास एक्स डॉट वाई है तो पहले ब्रेक द बार एंड चेंज द ऑपरेटर। अब मैंने डॉट से प्लस बना दिया है तो और एंड में चेंज हो जाएगा, एंड और में चेंज हो जाएगा। तो ये है डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। This principle states that we can derive a Boolean relation from another relation by forming simple steps. Principle of duality क्या कहता है, कि हम derive कर सकते हैं Boolean relation from another relation, किसी और relation से जो है हम Boolean relation को derive कर सकते हैं। इसके लिए कुछ steps follow करने होते हैं, मतलब कोई relation आपको दी होगी और उसी से हम एक और relation निकाल सकते हैं। तो change करना होता है इसमें and operator को और sign के साथ, चेंज हर एक और को आप एंड के साथ चेंज करेंगे, मतलब जितनी बार भी आप एंड देखेंगे वहां पर आप और बना देंगे, जहां पर भी आप और का साइन देखेंगे एंड बना देंगे, रिप्लेस कर देंगे हर एक जीरो को वन के साथ और हर एक वन को जीरो के साथ। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी के कुछ रूल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, देन इसका ड्यूअल प्रिंसिपल जो मैंने इसे लगाया, 0 से 1 बन गया, प्लस किस में बदल गया, डॉट में बदल गया, जीरो से वन बन गया, तो आंसर भी मुझे क्या मिल गया, वन मिल गया। देन वन प्लस जीरो था तो वन से वैल्यू जीरो हुई, प्लस ऑपरेटर चेंज हो गया डॉट ऑपरेटर में और जीरो से वन हो गया और आंसर मुझे जीरो मिल गया, ओके। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, ठीक है, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है बुलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेशन। बुलियन फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बुलियन फंक्शन को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि सॉप की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, POS फॉर्म, और थर्ड होता है कैनोनिकल फॉर्म, जिसमें दो आती हैं, स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म और स्टैंडर्ड POS फॉर्म, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या, सबसे पहले हम बात करें सॉप, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। सॉप इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स और समड टू गैदर, यानी कि प्रोडक्ट टर्म होती है हमारे पास, जैसे ए बी हो गया और बी सी हो गया, उनका क्या कर दिया जाता है, सम कर दिया जाता है, ओके। तो ये होती है सॉप फॉर्म। अब अगर आपसे पूछे कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे दिया ए बी प्लस ए सी प्लस या बी सी, ये कौन सी फॉर्म है, तो ये आप बता सकते हैं सॉप फॉर्म है। क्यों है, सॉप का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट जो टर्म होती है उनका क्या कर दिया गया, सम कर दिया गया है। पोस्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, मींस पहले सम किया गया और उन सम का क्या कर दिया गया, प्रोडक्ट
कर दिया गया है. ओके, वो पोस्ट फॉर्म होती है. तो इसमें आप देखेंगे तो सॉप इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स समड टूगेदर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसजंक्टिव फॉर्म नॉर्मल फॉर्म. इसे और किस नाम से जाना जाता है? डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, यानी कि DNF के नाम से इसको हम जानते हैं. तो यहाँ पे ए बी था, ए बी बार सी था और बी सी था. यहाँ पे ये देखिए, इन तीनों के प्रोडक्ट लिए गए हैं और उन्हें क्या कर दिया गया है? उनका सम जो है कर दिया गया है. तो ये क्या हो जाएगी? सॉप फॉर्म हो जाएगी, यानी कि बुलियन को, बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया गया है सॉप फॉर्म में. ये सॉप पोस्ट आगे बहुत काम आने वाले हैं, जब की मैप हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, उसके बाद आता है पोस, प्रोडक्ट ऑफ सम. पोस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सम टर्म्स मल्टीप्लाइड टूगेदर, यानी कि दो टर्म्स, दो से दो, दो या दो से ज़्यादा टर्म का मल्टीप्लाई किया गया है और सॉरी सम किया अगर उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया गया. जैसे ए प्लस बी था तो पहले यहाँ पे सम किया गया, ठीक है, एंड देन उसको मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट कर दिया गया. तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट करना. ठीक है, तो ये होती है पॉस. देन उसके बाद आती है कैनोनिकल फॉर्म. कैनोनिकल फॉर्म देखिए, इसमें दो तरीके की होती है, एक स्टैंडर्ड सॉप और एक स्टैंडर्ड पॉस. ठीक है, स्टैंडर्ड सॉप क्या होती है? ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन. इसमें क्या होता है कि जितनी भी प्रोडक्ट टर्म होंगी वो कंटेन करेंगी सभी वेरिएबल्स को. सॉरी एक मिनट. ठीक है, जितनी भी हम प्रोडक्ट करेंगे वो जितने वेरिएबल्स होंगे, अगर हमारे दो वेरिएबल हैं तो हर एक प्रोडक्ट में दो वेरिएबल्स होंगे, अगर हमारे तीन वेरिएबल्स हैं तो हर एक प्रोडक्ट में तीन वेरिएबल्स होने चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा एक फंक्शन है ए बी सी, तो मैंने इसका प्रोडक्ट किया ए बी बार सी, ए बी सी बार, एंड देन उसका सम कर दिया. तो ये क्या है? स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म है, क्योंकि देखिए इसमें तीन वेरिएबल थे हमारे और तीनों ही वेरिएबल का हर बार क्या किया गया है? प्रोडक्ट किया गया है. ठीक है, देन उसे सम किया गया है. तो ये होती है स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म. अब मैंने अगर इसी फंक्शन को इस तरीके से लिखा होता ए बी बार और ए बी सी बार, तो आप देखेंगे तीन वेरिएबल है लेकिन इसमें हमने दो ही वेरिएबल लिए. ये सॉप फॉर्म तो बन जाती लेकिन स्टैंडर्ड सॉप बनाने के लिए हमें जितने वेरिएबल्स हैं उन्हें हर एक बार जो है उनका प्रोडक्ट करना जरूरी होता है. यहाँ पर हमने सिर्फ ए बी का प्रोडक्ट किया, सी को तो छोड़ ही दिया. ठीक है, तो ये हमारी सॉप फॉर्म तो बन जाती बट नॉट स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म. तो स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म में हर एक वेरिएबल को लेना जरूरी होता है. सेम पॉस में अगर आप देखेंगे तो ईच सम टर्म कंटेन ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द फंक्शन, यानी कि जब हम सम करेंगे तो हर एक वेरिएबल को लेना जरूरी होता है. एक फंक्शन लिया ए बी सी, तो मैंने इन तीनों का सम लिया ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए बार प्लस बी प्लस सी बार और ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, और तीनों का क्या करवा दिया? प्रोडक्ट करवा दिया है. तो ये स्टैंडर्ड पोस फॉर्म बन रही है. ठीक है, पोस क्या होता है? सम, मतलब सम करवाने के बाद उनका प्रोडक्ट करना. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स. ठीक, अगर इसी को मैं इस तरीके से लिख देती, मान लीजिए ए बी सी और मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल थे और इनका सम कराया दो वेरिएबल्स का. ठीक है, तो ये हमारी पोस फॉर्म तो बन जाती बट नॉट स्टैंडर्ड पोस फॉर्म. तो हर एक वेरिएबल को का प्रोडक्ट करना भी जरूरी होता है एस पी ओ एस एस सॉप में, और एस पी ओ एस में हर एक वेरिएबल का सम करना भी जरूरी होता है. तो ये चीज आप याद रखिए. तो वही कहा गया है यहाँ पे, ईच सम टर्म कंटेन ऑल द वेरिएबल ऑफ द फंक्शन. फंक्शन में जितने वेरिएबल होंगे, अगर यहाँ पे मेरे चार वेरिएबल होते तो मेरी चार बार जो है वैल्यू हमें ऐड करानी पड़ती. ठीक है, तो मुझे डी को भी ऐड कराना पड़ता है यहाँ पे. और अगर मैं डी ऐड नहीं कराती, मेरे चार वेरिएबल हैं और मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही एक्सप्रेशन लिखा, तो ये हमारा स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म में नहीं होता. ठीक है, चलिए अब बात आती है मिनट्रम और मैक्सट्रम की. मिनट्रम और मैक्सट्रम क्या होती है? देखिए, ईच इंडिविजुअल टर्म इज एसओपी इज कॉल्ड एज मिनट्रम. हर एक इंडिविजुअल टर्म एस सॉप में, स्टैंडर्ड सॉप में क्या कहा जाता है? मिनट्रम कहा जाता है. और हर एक इंडिविजुअल टर्म एस पॉज में उन्हें क्या कहा जाता है? मैक्स ट्रम कहा जाता है. तो मिनट्रम किस में आती है? सॉप फॉर्म में आती है. और मैक्सट्रम किस में आती है? पॉज फॉर्म में आती है. ठीक है, तो ये याद रखिए. मिनट्रम में अगर हमारी कोई कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है तो उसके लिए हम लिखते हैं जीरो, और एक्चुअल वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं वन का. ठीक है, मैक्सट्रम में जीरो यूज किया जाता है एक्चुअल वैल्यू देने के लिए और वन को हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट वैल्यू देने के लिए. किस तरीके से? देखिए, मेरे पास दो वेरिएबल मैंने लिए एक्स और दो वेरिएबल लिए ए और बी. ठीक है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन.
इस तरीके से बनेंगे। अब यहां पर कितनी वैल्यूज आएंगी ये आप इससे निकाल सकते हैं, जितने वेरिएबल्स होंगे उसकी पावर कर दीजिए, ठीक है, 2 raised to power n, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो 2 raised to power 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि यहाँ पे 4 वैल्यू हमें मिल जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, देन मुझे इसका मिन टर्म निकालना है, ठीक है। मिन टर्म में हमने पढ़ा 0 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट वैल्यू यूज करते हैं और 1 को हम एक्चुअल वैल्यू ही लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू भी 0, b की वैल्यू भी 0, तो हम a का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं और b का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी मिन टर्म 0 की वैल्यू, ठीक है, ये 0 से शुरू करते हैं। देन आप नेक्स्ट में देखो a की वैल्यू तो 0 है, यानी कि हम a को तो कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, लेकिन b की वैल्यू 1 है, तो यानी कि b की हम एक्चुअल वैल्यू, यानी कि b का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे, b ही लिखेंगे, ये हमारी मिन टर्म 2 बन जाती है। इसे हम मिन टर्म को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। और एक और चीज आप इसमें याद रखिए, इसमें हम प्रोडक्ट यूज करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई का, और मैक्स टर्म में हम सम यानी कि एडिशन का यूज करते हैं। आप यहां देख सकते हैं बीच में एडिशन आया है, ओके, तो ये चीज आप याद रखिए मिन टर्म में कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, ओके। देन 1 0 है, अब 1 आया तो एक्चुअल वैल्यू रखेंगे a की, और 0 के लिए हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे b कॉम्प्लीमेंट, ये मिन टर्म 2 की वैल्यू है। अब यहां पर देखेंगे दोनों ही 1 1 है, तो a भी लिख लेंगे एक्चुअल वैल्यू, और ये मिन टर्म 3 हो जाएगा, ओके। मैक्स टर्म को हम कैपिटल m से शो करते हैं, तो a प्लस b, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी क्यों आया, क्योंकि मैक्स टर्म में हम 0 कब दिखाते हैं, एक्चुअल वैल्यू के लिए, और 1 कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज करते हैं, तो यहाँ पे 0 0 से, तो हमने a प्लस बी लिखा और ये m 0, मैक्स टर्म 0 की वैल्यू यहाँ पे निकल गई। देन 0 1 है, तो 0 तो हम एक्चुअल वैल्यू यानी कि a का a रहेगा, और 1 कॉम्प्लीमेंट के लिए शो करते हैं, तो b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये मैक्स टर्म 1 की वैल्यू है। देन यहाँ पर a बार b, 1 जो है कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज करेंगे और b एक्चुअल वैल्यू देगा, तो ये मैक्स टर्म हो जाएगी 2, और यहाँ पे 1 1 है, तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट आएंगे, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, और ये मैक्स टर्म 3 की वैल्यू निकल जाएगी, ओके। तो ये होता है मिन टर्म और मैक्स टर्म, जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है मिन टर्म। वैसे आपको पता होना चाहिए मिन टर्म मैक्स टर्म दोनों ही क्या है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इसमें याद रखिए मिन टर्म में हम यूज करते हैं प्रोडक्ट का, मैक्स टर्म में हम यूज करते हैं एडिशन का, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, इसको कैपिटल m से शो करते हैं, ठीक है। इसमें 0 अगर होगी तो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू देंगे, अगर 1 होगा तो एक्चुअल वैल्यू शो करेंगे, 0 है तो एक्चुअल वैल्यू और 1 है तो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। ये मिन टर्म मैक्स टर्म में कुछ चीजें याद रखने की बहुत जरूरी है। इसको आप 3 वेरिएबल पे भी बना सकते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल आप किस तरीके से लेंगे, अगर इसकी 3 वेरिएबल्स की अगर टेबल आएगी तो कितनी वैल्यूज आएंगी इसमें, 2 raised to power 3 यानी कि 8 वैल्यूज, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वैल्यूज मेरी यहाँ पे बन रही हैं। अब इनको लिखने का तरीका, 2 में तो हम याद रख लेते हैं कि 0 0 0 1 1 0 1 1, अब 3 वाले में कैसे रखें, तो यहां से देखिए ए बी सी आप रखिए, पहले 4 बार 0 लगाइए, फिर 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 1 बार 0 1 बार 1, तो 4 2 1 का वही कॉम्बिनेशन आप याद रख लीजिए जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना है 4 0 देन 4 1, 2 0 2 1, 1 0 1, ठीक है, 1 टाइम 1 आएगा, तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ से मिन टर्म और मैक्स टर्म निकालना बहुत इजी है, देखिए ए बी सी, मिन टर्म में हम इन्हें क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, और वहां पर हम इन्हें एक्चुअल वैल्यू रखते हैं, तो मिन टर्म में हम प्रोडक्ट यूज करते हैं और मैक्स टर्म में हम प्लस का यूज करते हैं। तो इसका अगर हम मिन टर्म निकालेंगे तो एक्स बार वाई बार जेड बार, ये मिन टर्म 0 की वैल्यू निकल जाएगी। एस पोस में क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा क्योंकि 0 है, तो ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे लेने वाला है। देन 0 0 1 है, तो मिन टर्म में एक्स बार हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा, लेकिन जेड एक्चुअल वैल्यू रखेगा और ये मिन टर्म वैल्यू निकल जाएगी। सेम आपको इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि इसको किस फंक्शन के द्वारा शो किया जाता है, क्योंकि अगर आपको के मैप में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमें मिन टर्म में निकालना है मैक्स टर्म में, यानी कि पोस्ट फॉर्म सोप फॉर्म है या पोस्ट फॉर्म है। तो देखिए मिन टर्म जो होता है हम शो करते हैं सबमिशन साइन से, ठीक है, ये मिन टर्म का साइन होता है। अब यहाँ पे लिखा ए बी, ए बी और एक एक्सप्रेशन दे दिया ए बी प्लस ए डॉट बी। अब देखिए मुझे इसे मिन टर्म में निकालना है, ए बी मिन टर्म में कब आती है वैल्यू, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ए बी यहाँ पे आ रही है, मिन टर्म 3 की वैल्यू है ये, ठीक है, ए बी किसकी वैल्यू है, मिन टर्म 3 की वैल्यू है, और ए कॉम्प्लीमेंट बी,
ए कॉम्प्लीमेंट बी, यहाँ पे देखिए आप किसकी वैल्यू है, मिनटर्म वेल वन की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनटर्म जो सबमिशन के साथ हम लिखेंगे वैल्यूज हमारे पास क्या मिल जाएगी, थ्री और वन मुझे यहाँ से मिल जाएगी। ओके, इसी को अगर मुझे मैक्स टर्म में दिखाना है, और मेरे पास देखिए एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन सी फॉर्म बन रही है, सॉप फॉर्म बन रही है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो ऑब्वियस है हम किसको लेंगे, मिनटर्म को लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो पोस्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम यानी कि मैक्स टर्म हमें यहाँ पे निकालना है, और इसके लिए हम पाई यूज करते हैं, पाई और कैपिटल एम। अब देखिए ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी यानी कि जीरो जीरो और ए बार बी वन जीरो। अब ए प्लस बी किस पे बन रही है, मैक्सटर्म जीरो पे बनती है वैल्यू, और वन जीरो किस पे बनती है, मैक्सटर्म टू पे बनती है, क्योंकि अगर आप ट्रूथ टेबल वो देखेंगे ऊपर जो हमने पढ़ा मिनटर्म मैक्सटर्म, तो जीरो 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 वन, वन जीरो और वन वन कुछ इस तरीके से था, ये एम जीरो की वैल्यू, एम वन की वैल्यू, एम टू की वैल्यू, वन जीरो किस पे आ रहा है, टू पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो और टू जो है यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से फाइंड आउट करने कई बार आ जाते हैं, तो याद रखिए मिनटर्म के लिए हम सबमिशन का साइन यूज करते हैं और मैक्सटर्म के लिए हम पाई का यूज करते हैं। ओके, मिनटर्म कौन सी फॉर्म लेता है, सोप फॉर्म लेता है, और मैक्सटर्म कौन सी लेता है, पोस्ट फॉर्म लेता है। मिनटर्म में हम डॉट यूज करते हैं, मैक्सटर्म में हम एडिशन यूज करते हैं, मिनटर्म में हम जीरो यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के लिए, और वन यूज करते हैं एक्चुअल वैल्यू के लिए, पोस्ट में हम जीरो यूज करते हैं एक्चुअल वैल्यू के लिए, वन यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के लिए। तो ये चार से पांच चीजें आपको सोप और पोस्ट के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, ये आपको पता है तो आप इजीली जो है आगे की मैप जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बुलियन अलजेब्रा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की हैं, क्वेश्चन जो थे यहीं से पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं के मैप के साथ, पढ़ते हैं कि के मैप कैसे होता है, टू वेरिएबल का के मैप क्या होता है, और फोर का क्या होता है, और आगे थ्री वेरिएबल के मैप कौन सा होता है। तो तीन वेरिएबल का ही पढ़ेंगे, टू थ्री और फोर, इन थ्री वेरिएबल्स का एक के मैप हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहीं तक जो है हमारे सिलेबस में आता है, ज्यादा नहीं आता है। ओके, तो टू थ्री फोर ही पूछे जाते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।